जैसे बाहर ये सब व्यवहार करते हो बिना प्यार के, प्यार तो हो जाता ना उनसे भी महाराज जी। नहीं नहीं, दिन भर इतने लोगों के मिलना जुलना होता है ऑफिस में, बिजनेस में, कौन प्यार करता है? अपने अपने काम से मतलब है, प्यार तो उसी से होगा जहाँ स्वार्थ होगा। तो जैसे उन लोगों में हम व्यवहार करते हैं और प्यार करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति से, ऐसे ही इन लोगों में भी व्यवहार करना सीखें, अभ्यास करें और प्यार करें भगवान से, तो हमारा संसार चलेगा बढ़िया, खराब थोड़े होगा कोई। अरे ऑफिस में देखो कितना काम करता है एक आदमी, कितने लोगों को निभाता है, उनसे बातें करता है, व्यवहार करता है, लेकिन प्यार अपने घर में है उसका, सारे पब्लिक थोड़े प्यार करने लगता है वो। तो हम चूंकि आत्मा है, शरीर नहीं है, हमने अपने को शरीर मान लिया, इसलिए सारी बीमारी पैदा हो गई शरीर मानने। वो कैसे छूटे? उसको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो जब तक शादी नहीं हुई किसी भी लड़की की, तो बाप से माँ से और घर के हर सामान से उसका अटैचमेंट था, ये मेरा टीवी है, ये मेरा एसी है, ये मेरा है, ये मेरा कार है। जैसे शादी हुई और पति के घर गई, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा सामान है, एकदम बदल गया। और इतना बदल गया कि अगर कोई कहे भी कि तुम्हारे घर में ये सामान है, वो तो भैया का है, भैया मांगूंगी नहीं, मैं नाक कट जाएगी। इज्जत का सवाल है, अब बड़ी इज्जत हो गई। 18 साल तक तो बाप माँ ने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना रुपया खर्च करके ब्याह किया, भूल गए। तो जैसे संसार में हम देखते हैं कि जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वहां प्यार हो जाता है, तो हमारा स्वार्थ चूंकि हम आत्मा है भगवान से ही हल होगा। ये बात बार बार चिंतन के द्वारा रियलाइज करें, चिंतन का रिवीजन बार 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 ये प्रैक्टिस, बस प्यार हो जाए। साधना करने बुद्धि का रोल यही है, किसी दिन हमारा पक्का ऐसे लगता है। बुद्धि होने से बाधा पड़ता है, बुद्धि लगाने से बाधा पड़ता है। हाँ, बुद्धि लगाना नहीं है, सरेंडर करना है बुद्धि का। ये मन और बुद्धि, ये दो चीजें जो है ये बड़ी खतरनाक है। मन तो प्यार करना जानता है और बुद्धि जो है वो तर्क वितर्क कुतर्क करना जानती है। तो बुद्धि को शरणागत करना है कि देखो संसार में तुम्हारी गति है वो भी एक लिमिट में, संसार में भी तुम परिपूर्ण नहीं हो और भगवान के एरिया में तो जीरो हो, इसलिए भगवान के विषय में बुद्धि लगाना बंद, शरणागत होना, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। बुद्धि माइक है, माया की बनी हुई है, इसका चिंतन इसका डिसीजन सब माइक होगा। इसलिए शास्त्र वेद के अनुसार गुरु ने जो कुछ बता दिया है वो डिसीजन लाना है मन बुद्धि के अंदर। जितना डिसीजन पक्का होगा बुद्धि में उतने मन का अटैचमेंट होगा। कि ये काम ना करें फिर क्यों होता है खराब काम? वो इसलिए होता है कि हमने बहुत कर रखा था पहले, वो हमारी हैबिट हो गई है, बार 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 चिंतन और डिसीजन के द्वारा, फिर वर्क के द्वारा हमारा बहुत वो अटैचमेंट गाढ़ा हो गया, प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यास पड़ गया है, बहुत आदत हो गई है, पहले से चली आ रही तमाम जन्मों से। कैसे छूटे? फिर उसका उल्टा चिंतन किया जाए।
देखो माँ है, बाप है, बीबी है, पति है, इससे प्यार है ना, सबका होता है। लेकिन अगर एक वाक्य बोल दे खतरनाक कोई, पति बीबी कोई, कि तुम्हारा करेक्टर खराब है, तो पुरुष की तरफ देखने को मन नहीं करता, मुंह लटका लेता है, वो आदमी लड़ने लगता है, गुस्सा करता है, कहीं चुप हो जाता है, कई कई दिन तक खाना पीना बंद कर देता है। ये कैसे होता है? प्रैक्टिस से। बुद्धि में निश्चय हो जाए जब ये रास्ता गलत है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं जो शरीर संबंधी लोगों से प्यार करता हूं और इंद्रियों के सुख में सुख मानता हूं, ये सब भ्रम है, इससे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और हमारा अनुभव भी है, जब से पैदा हुए कितना देखा, कितना सुना, कितना सूंघा, कितना खाया, कितना स्पर्श किया, कितनों को अपना माना, कितना धोखा खाया, ये सब अनुभव भी हो गया। ये भी नहीं किया, नया नया मामला है भाई, अभी हम दुनिया से वाकिफ नहीं है, को भी तृप्ति नहीं हुई आज तक किसी की, बड़े बड़ों की नहीं हुई, जो खरबपति लोग हैं, हमारी क्या होगी। तो ये सब चिंतन पक्का करना चाहिए, बार बार अभ्यास से ही सब कुछ होगा। टाइम लगाना चाहिए इसमें, और टाइम ज्यादा है नहीं, जल्दी करना चाहिए। हाँ, टाइम तो सब निकल गया संसार में, अब परमार्थ में टाइम अधिक देना चाहिए। और फिर ये भी निश्चय नहीं हो तो है किसी को कि हम 60 या 70 या 80 वर्ष तक संसार में रहेंगे, अगले क्षण में जाना पड़ जाए, क्या ठिकाना। रंग डालना, ये कैसे आई, ये परंपरा कैसे आई यहाँ? ये परंपरा तो ये कृष्णावतार से आएगी, कृष्णावतार से आएगी। अच्छा, और महाराज जी दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट पूछनी थी कि ये जो कवर पेज है, उस कवर पेज है उसके क्या आप बताएं कैसे करें? जैसे वो अच्छा है जो हाँ, मुरली पीठ पर छोड़ के भागना। हाँ, अच्छा वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसीलिए देना जूता।